बड़ी बड़ी पेशियों के हवाले से आज शहर का अहम तरीन दिन। शहबाज शरीफ को रिमांड मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद भी एहतसाब अदालत पेश किए जाएंगे। ख्वाजा बरादरान को भी आज नैब ऑफिस में तलब किया गया है। शहबाज शरीफ से एहतसाब अदालत पेशी से कबल नैब लाहौर के सवालात। आपको मालूम है कि पैरागॉन का ताल्लुक ख्वाजा साद रफीक से है। सवाल, शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद सवालात पर लाइल्मी का इजहार किया। पीएलडीसी बोर्ड के किसी मेंबर ने आपको कासा डेवलपर्स और पैरागॉन का ताल्लुक बताया। सवाल, किसी ने रिश्वत ली? मुझे नहीं मालूम। शहबाज शरीफ का जवाब, आशियाना स्कैंडल में बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दिया साबिक वजीर आला पंजाब। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के मजीद रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। नैब में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। हमजा शहबाज की जेर सदारत मॉडल टाउन में लीगी अराकीन असम्बली का अहम इजलास। तमाम अराकीन अपने साथ कारकुनान को लेकर कल एहतसाब अदालत पहुंचे। हमजा शहबाज ने हिदायत जारी कर दी। और लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। पैरागॉन सिटी हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तारी के डर से ख्वाजा बरादरान ने हाईकोर्ट से रुजू किया था। नैब ने आज ख्वाजा बरादरान को तलब कर रखा है।